साल आते वक्त तो मैंने सोचा था कि आज जैक छोड़ना, बट मेरी वाइफ आ है तो यहाँ पर भी अच्छी सोच। तो भैया हमने सोशल मीडिया में पोस्ट देखी थी, अब मैं सबसे मैं अपने साल भूल जा रहा हूँ। सुपर ट्राई कर कितने के हैं? ये एपन कला जो है यहाँ पहाड़ की संस्कृति की है, कुमाऊनी संस्कृति की है। पूरा ग्राउंड में मैं अकेले। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी छोटी दिवाली, क्योंकि जिस दिन आप वीडियो देख रहे होगे तो छोटी दिवाली होगी। और आज धनतेरस है और हैप्पी धनतेरस। और बस ऐसे ही मुस्कराते रहिए। तो आज हम आए हैं नैनीताल पे यार। तो नैनीताल आते वक्त तो मैंने सोचा था कि आज हिचहाइकिंग करूँगा, बट नैनीताल ना पहाड़ों में है और पहाड़ों में मुझे मोटन माउंटेन सिकनेस हो जाती है, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज बस में चलते हैं। तो अभी बैठा था कुछ देर, आधा घंटे करीब, क्योंकि थोड़ा इन्वायरमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर रहा था। और यहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है यार, ये जो मैंने ट्राइपॉड पकड़ा है ना स्टील का है, तो ये ठंड से इतना वो क्या बोलते हैं, ठंडा हो गया काफ़ी। और अभी हम यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी एक मंदिर है देखिए। और जब से मैंने यहाँ फ़ोन अपडेट किया है ना अपना, तो कैमरे की क्वालिटी थोड़ी कम हो गई पता नहीं क्यों। और यही अगर हम रास्ते से सीधे जाएँ तो हम फ्रंट पर निकल जाएंगे, वहाँ पर नैनीताल का बोर्ड है तो आप वहाँ पर भी फोटो खिंचा सकते हो। एंड अभी तो मैं यहीं पर आया था, मैंने कहा थोड़ा भाई अपने दिमाग एकदम से हिलने लग जाता है ना पहाड़ों में आते। नैनीताल पे आने के बाद तो ऐसा मन हो रहा है बस धूप में बैठ जाओ, ठंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ तो। गर्मियों में भी ठंड लगती है, उतनी ठंड नहीं होती है लेकिन ठंड लगती है, ऐसा लगता है कि आप एसी में बैठे हो। और अभी तो ऐसा लग रहा है भाई कुल्फी बन जाएगी, या मुझे ही लग रही है इतनी ठंड। कहाँ से आया था? मैं यहीं से हूँ, कोटावाग रहता हूँ। यही है नहीं दयाल 30 किलोमीटर नीचे। हाँ ब्लॉग, ब्लॉग अच्छा, कौन सा ब्लॉग चला था? मैं यूट्यूब चैनल पे अपने कैसे बनाया तुमने बोलो ब्लॉग कौन सा? आपके पास फ़ोन है? यार अभी ना मैं यहाँ पे बैठा था तो मुझे एक सर मिले, तो सर से आपको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। मी योगेश भोईर आणि मी ठाणेवरून आलो आहे महाराष्ट्रामधून, आणि मला इथे माझा एक नवीन मित्र भेटला आहे हर्षित, तर त्याच्या रिक्वेस्टवरनं मी माझं इंट्रोडक्शन देतो। माझं नाव योगेश भोईर आहे आणि ठाण्याला राहतो मी, माझी वाईफ आहे, माझं शिक्षण मी MBA केलेलं आहे, पण त्याच्यानंतर मी थोडंसं बिझनेसमध्ये पण काही प्रयत्न केले करायचं। त्याच्यानंतर असं काही गोष्टी घडल्या की मी आता एका आध्यात्मिक प्रवासावर निघालो आहे, आणि त्याची सुरुवात मी उत्तराखंडमधनं केली, आणि इथे मला असं एवढा सुंदर अनुभव आला की त्याच्यामध्ये ही लोकं जी आहेत ती खूप चांगली शुद्ध आहेत, आणि इकडचं जे पूर्ण आध्यात्मिक वातावरण आहे त्याच्याने नक्कीच माझ्या पुढच्या जीवन प्रवासाला एक नवं वळण मिळणार आहे याची मला खात्री आहे। तर त्याच्यासाठी मी सगळ्या तुम्हाला पण उत्तराखंडमध्ये येऊन इकडून प्रवास सुरू करायला सगळ्यांना मी प्रोत्साहन देईन, धन्यवाद। तो अगर मराठी ऑडियंस देखती है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मुझे थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया। सही है सही। स्वामी विवेकानंद का उसका मैं तुमको एक्चुअली फोटो निकाल के ना सेंड करूँगा। जो लाइफ है वो लाइफ तुम स्टोरी पढ़ना बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत एडवेंचरस थे वो। वो बोलते हैं कि मेरे खिस्से में एक रुपया भी नहीं था स्वामी विवेकानंद बोलते थे, और मैं 2 बार पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा चुका हूँ। ओ माय गॉड, बहुत बार लोग ये सब करके वीडियोस उनके पोस्ट करते रहते हैं, और अच्छी बात है, ये एडवेंचर होना ही चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि पहले कैसे थे, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे अपना फोकस रहता था, या अपने जो ग्रैंडफादर वगैरह थे वो गरीबी भी बहुत थी, सिमिलर बैकग्राउंड से सब आते हैं इंडिया में, ऐसा कोई होता नहीं है कि जिस सीधा डायरेक्टली तो कम लोग होते हैं, बाकी तो सारे अपने ऐसे ही आते हैं। सो दैट वे इट इज सर, बोलिंग होगा सर नहीं तो। चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, आपने अपने इम्पोर्टेंट।
मैं तो ऐसे ही घूम, अच्छा वो तो मिल गया तो मेरा उतना टाइम अच्छा चला गया। मेरा भी हो गया, मैं भी सोच रहा था अकेला आया था ना। हाँ मैं भी देखा तुझे, तू भी बैठ के सोच रहा है क्या करूँ क्या करूँ ऐसा। मैं वीडियो का सोच रहा था कि आगे करना क्या है वीडियो। चलिए फिर, हाँ मैं थोड़ा उधर को जाऊँगा। हाँ यस यस कंटिन्यू कंटिन्यू, मैं इधर को जाता हूँ। चलिए बाय। भाई साहब क्या बंदे थे, मतलब इतना कुछ ट्रैवलिंग के बारे में जानने के लिए मिला। मैं तो जस्ट बैठ के अपना सोच रहा था कि व्लॉग क्या बनाना है, लेकिन इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई मुझे जो मैं कभी शेयर करूँगा आपके साथ। सो दगड़ियों, तो यहाँ पर तो लगे हैं पटाखों की मार्केट, लेकिन हमें ऊपर जाना है जहाँ पे यार वो मिलते हैं, यार क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल जाता हूँ ऐसी चीज़ों का। तो उनसे मिल के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कुछ ऐसे पॉजिटिव सी वाइब आई। मतलब मिलते हो ना कोई ट्रैवलर से, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो अब फिर सोचती हूँ कि और कुछ काम, जैसे वीडियो बनाना था, मैं उनकी बातें सुन रहा था तो काफ़ी अच्छा लगा कुछ। अभी देख रहा हूँ मैं पूरा ग्राउंड में मैं अकेले इधर से उधर दौड़ रहा हूँ, लेकिन यार मुझे ऊपर मार्केट जाना है। अब थोड़ी चढ़ाई आ गई, यहाँ पर देखो दिए भी बने और अखरोट रखे हैं। अखरोट देखे हैं आपने? तो यहाँ पर भी ऐसी सेम। आपने कहाँ बनाए, घर पे बनाए आपने बनाए? पापा। अच्छा क्या रेट है इनका? 20 के आले 12। ओके पैक कर दो फिर। एक ये टूटेंगे तो नहीं, मुझे जाना है दूर थोड़ा। घर कहाँ है वो आपका? ओह ये कहाँ पर हुआ? तो हमने भी ले लिए भाई उस आदमी के साथ। खैर मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे लोकल से ले लें, उनका भी दिवाली बन जाएगी अच्छे से। कितने के हैं? कौन से वाले? ये 15 का है। कितने लेने हैं? ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। एक ये वाले कितने का है? ये 20 का। 20 का एक ये दे दीजिए। और ये वाले कितने के हैं? 10 का। ये वाला? और ये वाला 10 का है। 10 का। अच्छा तो एक वाला रख दीजिए और एक वाला। तो भैया हमने सोशल मीडिया में कोर्स देखी थी, अब मैं सबसे तो खरीद नहीं सकता यार, मेरे को जहाँ से सही लगा मैंने वहाँ से खरीद लिया, और जहाँ से आपको सही लगे आप वहाँ से खरीद लीजिए यार, क्योंकि उनका भी दिवाली बन जाएगी। और जस्ट कोई इतना एक्सपेंसिव तो है नहीं भाई, मैंने बार्गेनिंग भी नहीं करी, उन्होंने 55 बोला मैंने 60 ले लिए, मैंने कहा 5 रुपीज़ रख लीजिए। तो फिर मैं वीडियो से ऐसे ले लेता हूँ, थंबनेल ले लूँगा इसका, ठीक है? मास्क रख लेता हूँ अंदर, मास्क वैसे लेकिन कोई भी फोटो अच्छी है। सो नाउ फाइनली आ गए मार्केट, मार्केट नहीं सॉरी रोड पे, इतने लोग देख रहे हैं मुझे बहुत, तो मैं अपने अल्फाज भूल जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ऐसे कर रहा हूँ। मिलता है नीचे मिलता है, नीचे जाना है, नीचे ऊपर नहीं भाई, जहाँ पहले भी दिखाया था मैंने वहाँ पर थप्पड़ खाने जा रहे हैं हम दोबारा से। बैठने की जगह नहीं तो खड़े हो गए ट्रैवल ब्लॉगिंग, फूड ब्लॉगिंग पहले सूट ट्राई करते हैं। अब मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा कि कहाँ जाऊँ, मार्केट जाऊँ वापस, क्योंकि अभी बज रहे हैं कितने, तो अभी बज रहे हैं 1, मेरे पास अभी अराउंड 2 घंटे हैं।
मैं एक संस्था चलाती हूँ, दो संस्था है मेरी, एक समर्पण वुमेन वेलफेयर सोसाइटी एंड लोक कला परिषद एंड एसएचजी सशक्ति, एसएचजी नगर पालिका परिषद नैनीताल। तो उस सब से हम लोग कंबाइन करके कुछ ऐसा वर्क करते हैं, आर्टिस्टिक वर्क करते हैं, जिससे कि महिलाओं को रोज़गार मिल सके और वो अच्छे से अपना मतलब घर चला सकें और अपना घर चलाने में बच्चों के लिए कुछ कर सकें और अपने घर के लिए सहयोग कर सकें, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। प्रोडक्ट में ये दिखाना चाहूँगी, ये पूजा थाली होती है, अर्पण थाली, तो ये लोग हम लोग आगे तक प्रमोट करते हैं। और इसको ये अर्पण कला जो है यहाँ पहाड़ की संस्कृति की है, कुमाऊनी संस्कृति की है, तो ये आज के समय में क्या है, लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये ख़त्म होती जा रही है इस समय, मतलब क्या है कि पेंटिंग बना दिया इसको एक, और जबकि ये बहुत अच्छा आर्ट है, यहाँ का यहाँ के कल्चर से जुड़ा है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं दूसरी वीडियो शूट करने जा रहा हूँ, तो अब नेक्स्ट व्लॉग देखना, कभी डालूंगा तो ऊपर से आई बटन में आ जाएगा। चलो बाय।